वेलकम टू लवली वर्ल्ड। दोस्तों, नॉर्मल पानी को अगर हम 2 से 3 दिनों तक रख देंगे तो वो खराब हो जाते हैं, पर गंगा नदी का पानी हजारों वर्षों तक ताजा और साफ रहता है। पर ऐसा क्यों होता है? तो दोस्तों, इसे लेकर कई थ्योरियां हैं, पर उनमें से मुख्य 2 थ्योरियां हैं। थ्योरी नंबर 1, आपको तो पता ही होगा, गंगा का उद्गम स्थल गोमुख ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है और ये हिमालय से होकर बहती है। तो हिमालय में स्थित सभी जड़ी बूटियाँ, खनिज तथा लवण गंगा में मिल जाती हैं, जिसमें से गंधक और सल्फर प्रचुर मात्रा में मिलते हैं, जो गंगा नदी को हमेशा स्वच्छ बनाए रखती हैं। थ्योरी नंबर 2, दोस्तों ये साइंटिफिकली प्रूवन थ्योरी है कि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरिया फोस नामक एक बैक्टीरिया पाया जाता है और ये गंगा जल में बनने वाले सभी खराब पदार्थों को खाता रहता है, जिससे कि गंगा का पानी कभी खराब नहीं होता है। दोस्तों, ये फैक्ट आपको कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बेकार लगा तो डिसलाइक करें। ऐसे ही हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे चैनल लवली वर्ल्ड को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।